जी जेल संजीव त्रिपाठी ने बांदा जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया, सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं को देखा, सीसीटीवी कैमरों को हर समय क्रियाशील रखने सहित जाबाज बंदी रक्षकों को जेल के अंदर सुरक्षा में तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने जेल की बाउंड्री की रात दिन पुख्ता सुरक्षा को कहा, पाकशाला में खाने की गुणवत्ता को परखा, अस्पताल में बीमार बंदियों का हालचाल लिया, दवाओं की जानकारी ली। डीआईजी ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए जेल में सफाई के निर्देश दिए, कर्मचारियों सहित बंदियों की टीकाकरण की जानकारी ली। तो वहीं पीसीयू में बंदियों द्वारा परिजनों को दी जाने वाली कॉल के डिटेल्स की भी जानकारी ली, बंदियों से उनकी समस्याएं जानी और निराकरण के निर्देश दिए। महिला बैरक में सुरक्षा का जायजा लिया, महिला बंदी रक्षकों की संख्या बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। जेल परिसर में बनी चार दीवारी व शास्त्रगार का अवलोकन किया, चार दीवारी को और ऊंचा कराए जाने की जरूरत बताई। मुलाकात कक्ष के पास गंदगी पर नाराजगी जताई, पालिका से संपर्क कर नियमित सफाई करे जाने का निर्देश दिया। कारागार अधीक्षक प्रमोद तिवारी, डिप्टी जेलर वीरेश्वर सिंह, प्रभाकांत पांडे सहित कर्मचारी मजबूत रहे। तो वहीं फर्जी पते से लिए गए असलहे में पैरवी के आरोपी बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मऊ की विशेष गैंगस्टर कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई। मुख्तार के वकील दरोगा सिंह ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि पिछले दिनों कोरोना होने से मुख्तार अंसारी काफ़ी कमज़ोर हो गया है। आरोप लगाए गए कि जेल प्रशासन द्वारा मुख्तार को सुविधाएं नहीं मुहैया कराई जा रही है, फिजियोथेरेपी की जांच भी नहीं हुई। गैंगस्टर एक्ट के मामलों को एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए कहा गया। कोर्ट ने जेल प्रशासन को जेल मैनुअल के अनुसार सुविधा मुहैया कराने के आदेश दिए हैं।